हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम स्प्लिट्स क्लब प्रोमो के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि कौन कौन है जो कि आइडियल मैच बन सकते हैं, साथ ही में हमें प्रोमो देख के क्या लगता है कि गेम किस तरीके से होने वाली है, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी जानना हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, और अगर आप लोग इस चैनल पे कहीं से पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें मेनली ना हम सबसे पहले ना उन कंटेस्टेंट की बात करेंगे जो कि हमें रोडीज में देखने को मिले थे, क्योंकि भाई आप भी उन्हीं के बारे में ज्यादा जानना चाहो। तो देखो, सबसे पहले शिवित की बात करते हैं। तो प्रोमो के अंदर शिवित हमें बहुत ही कम जगह नजर आए हैं, और टास्क जहां पे हो रहा है वहां पे तो ना के बराबर ही नजर आ रही है। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि शिवित बहुत ही जल्दी आइडियल मैच बन गए हैं, और इस कारण वो जो आइडियल मैच होता है ना वो तो बहुत कम ही टास्क परफॉर्म करता है। तो कुछ वो वाला सीन शिवित के साथ हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से शिवित जो है ना वो स्टार्टिंग में ही देखना आइडियल मैच बन जाएगा। अब पार्टनर कौन होने वाली है उसकी, उसके ऊपर कंफर्म नहीं हूं मैं। और सचिन और आकृति की बात करते हैं कि क्या वो दोनों एक आइडियल मैच बनेंगे या फिर नहीं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सचिन और आकृति एक आइडियल मैच नहीं बनेंगे। उसकी वजह जो आकृति है ना वो शायद जसवंत के साथ एज अ आइडियल मैच हमें देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर भी मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं ये अपना एक प्रोमो को देख के एनालाइज कर रहा हूँ। जो दिग्विजय है ना उसका चांस ये है कि उसको आइडियल मैच ना एंड तक भी शायद ही मिलेगा। दिग्विजय बिना आइडियल मैच के टास्क परफॉर्म करेंगे और वो अपनी गेम खेलेंगे और गेम के बदौलत सेव होंगे और वहां तक फिनाले तक जाएंगे या जहां तक भी जाए, बट ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय को आइडियल मैच जल्दी नहीं मिलने वाला उसका, क्योंकि दिग्विजय ना मैक्सिमम टास्क को हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, और आपको भी पता है कि एक आइडियल मैच इतने ज्यादा टास्क तो परफॉर्म नहीं करता है। और गेम तो दो ग्रुप में डिवाइड होने वाला है, इसके ऊपर भी एकदम श्योर हूं मैं। एक शिवित की टीम होने वाली होगी और एक दिग्विजय की टीम होगी। दिग्विजय की टीम में सचिन, नायरा, आकृति ये सब हो सकते हैं, और शिवित की टीम में हमें एडी देखने को मिल सकते हैं। तो अब एडी की बात करते हैं, और एडी का भी गेम ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बैलेंस पे चलने वाला है, ना ही वो एकदम बढ़िया खेलने वाले और ना ही एकदम बेकार। और चांस है कि एडी का भी हमें आइडियल मैच देखने को मिल सकता है। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि जो भाई अपने ऑडिशन के दम पे आए हैं या फिर रोडिस के कंटेस्टेंट नहीं है तो उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो स्टार्टिंग में एक एक करके निकलेंगे, कुछ कंटेस्टेंट भी तो चाहिए जो कि स्टार्टिंग में निकले, तो वो मेनली चांस है कि इसी काम आने वाले है। और जो स्टार्टिंग के एलिमिनेशन होते हैं उसमें कुछ नॉन रोडिस कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि न्यू फेस जो होने वाले है, और कुछ न्यू फेस होने वाले है जो कि चमकने वाले है और अपने आप को अच्छे से प्रूव करने वाले है। बट ऐसा तो कोई खास कंटेस्टेंट नहीं लगा नॉन रोडीज जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है प्रोमो के अंदर, ऐसे देख के पता लगता है। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा लगता हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ डिटेल्स है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 3 मिनट से ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।